अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के टॉप मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, दोनों कॉलेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की। गवर्नमेंट कॉलेजेस तो पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, लेकिन जो टॉप कॉलेजेस हैं दो, उनको मैं डिस्कस करूँगा। वो है आर्मी मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इस वीडियो तफसील में जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। तो हमारे पास जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये आपके पास जो है वो UHS के अंडर आती है और ये पंजाब में लोकेटेड है। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो अराउंड 90,000 पर ईयर है, जो कि बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में जो टोटल सीट्स होती हैं वो होती हैं 350 से 400 के अराउंड, और ये सीट्स जो है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए होती हैं जो पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी भी सीट्स होती हैं जो रिज़र्व सीट्स होती हैं, जिन सीट्स की बेसिस पे दूसरे सूबे के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज की। तो आर्मी मेडिकल कॉलेज जो है एक तरह का गवर्नमेंट कॉलेज है, और ये कॉलेज जो है नम्स के अंडर आता है, और नम्स के अंदर दीगर बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। अब नम्स से मुतल्लिक अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में आप नम्स से मुतल्लिक और AMC से मुतल्लिक डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अब जो ये आर्मी मेडिकल कॉलेज है ये रावलपिंडी में लोकेटेड है। इसके अलावा इसका जो मेरिट है वो काफ़ी हाई होता है, और इसमें MBBS की 40 सीट्स हैं, BDS की 7 सीट्स हैं। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख पर ईयर है। अब देखें, AMC का फीस स्ट्रक्चर किंग एडवर्ड से काफ़ी ज़्यादा है। AMC का जो मेरिट है वो भी जो है किंग एडवर्ड से काफ़ी ज़्यादा है। अब देखें, होता ये है कि किंग एडवर्ड में एक डिसएडवांटेज आपको ये मिलता है कि मैक्सिमम सीट्स वहाँ पर जो होती है वो पंजाब के बच्चों के लिए होती है, तो इसके लिए जो है ना वो दीगर सूबों के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन AMC का एडवांटेज ये है कि AMC जो है वो ओपन मेरिट है। इसमें जो 47 सीट्स होती है वो ओपन मेरिट सीट्स होती हैं, इसमें किसी भी सूबे के कोई भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इसी वजह से AMC का मेरिट काफ़ी हाई जाता है किंग एडवर्ड के मुकाबले में। हालाँकि दोनों यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, और AMC का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो किंग एडवर्ड से काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान के टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, जिसे हम तफसील से डिस्कस करेंगे। हालांकि बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस टॉप में आते हैं, लेकिन नंबर वन पे हैं आपके पास आगा खान यूनिवर्सिटी। और आगा खान यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि आगा खान यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अब आगा खान यूनिवर्सिटी में वो तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जिनकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आगा खान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको एक प्रॉपर जो है वो टेस्टिंग सिस्टम से गुजरना पड़ता है। आपका जो है वो टेस्ट में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि आगा खान यूनिवर्सिटी जो है अपना टेस्ट, अपना क्राइटेरिया अपने तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है, तो आगा खान यूनिवर्सिटी ने सब अपना सिस्टम बनाया हुआ है, और इसी सिस्टम के तहत वो बच्चे को एवेलुएट करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, देन इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको MBBS की 100 सीट्स में से कोई एक सीट्स मिल जाती है। इसके अलावा नर्सिंग का प्रोग्राम भी है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो UHS के अंडर जो कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, जिसमें CMH लाहौर है और तमाम से मुल्तान भी शामिल है, CMH खारियां भी हैं, CH बहावलपुर, CMH क्वेटा और CMH कराची, जितने भी दीगर तमाम CMH है और CMH लाहौर है, ये तमाम बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं आफ्टर आगा खान। अब देखें, जितने भी CMH मुल्तान, CMH खारियां, CMH बहावलपुर, इनका मेरिट जो है वो अच्छा जाता है काफ़ी, लेकिन CMH क्वेटा और कराची का मेरिट जो है इन तमाम CMH के मुकाबले में थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर आपको चांस मिले तो आप CMH लाहौर में अप्लाई करें आगा खान के बाद। अगर आपका आगा खान में नहीं होता तो आप CMH लाहौर में अप्लाई करें, उसके बाद आप दीगर तमाम CMH में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे UHS के टॉप कॉलेजेस के बारे में। UHS के कौन कौन से टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं? सबसे पहले आपके पास है FMH, दूसरा है शालीमार, फिर शरीफ, अख्तर सईद, इसके अलावा वो तमाम मेडिकल कॉलेज CMH के जो लाहौर के अंडर आते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं FMH की। तो FMH का मेरिट भी जो है बहुत हाई जाता है UHS में, लेकिन जो हमारे पास CMH लाहौर है उसका मेरिट FMH से ज़्यादा हाई जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा चांस मिलता है कि अगर आप CMH लाहौर में एडमिशन आपको मिल रहा हो तो डेफ़िनेटली आप ले लें, क्योंकि CMH लाहौर इज़ बेटर देन FMH। इसके अलावा दीगर तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, शरीफ, अख्तर सईद और जितने भी लाहौर के मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका मेरिट जो है वो काफ़ी थोड़ा कम जाता है, लेकिन CMH क्वेटा और कराची से इनका मेरिट ज़्यादा होता है। तो ये तमाम हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं।
इसके अलावा मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा बता दूं, तो हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस में AMC है और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आपके पास आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी और CMH लाहौर है। अगर आपको FMH और CMH लाहौर में से एडमिशन मिल जाता है दोनों में, तो आप CMH लाहौर में एडमिशन ले, दैट इज़ बेटर। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।